कृष्ण वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुधिर्यतमहं प्रपद्ये मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम् वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में, है ना। भागवत गीत भगवान के द्वारा गीत रूप में ये संवाद प्रस्तुति करी गई, और जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, भगवान जो कुछ भी करते हैं ना, सब दिव्यता के सोपान पे ही होता है, सब दिव्यता के सोपान पे ही करते हैं भगवान। भगवान को कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण का कोई आवेश नहीं है, मतलब भगवान को कोई संसारी चीजों का कोई अभाव नहीं है, ना ही कोई ऐसी संसारी भोग वासना तृष्णा कुछ भी ऐसा स्पर्श नहीं करता भगवान को। स्पर्श मतलब टच। तो भगवान तो अपने नित्य स्वरूप में हमेशा स्थित है ना, इसीलिए वो भगवान है भाई, है ना। तभी और भगवान मतलब अद्वितीय, अद्वै अद्वै तत्व ना, अद्वितीय या अद्वै तत्व। अद्वितीय मतलब भगवान के जैसा और कोई नहीं बाबा। भगवान इज समथिंग जो इरिप्लेसेबल, ये ऐसा एक पोजीशन है जिसको कोई हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भैया वापस फ्रीज हो गए हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा सा पता नहीं अभी इंटरनेट की थोड़ी समस्या ही चल रही है, अगेन वेरी मिस्टीरियस, आई डोंट नो व्हाई। अदरवाइज नॉर्मली तो एटलीस्ट इन टेंपल रूम में इंटरनेट काफ़ी बढ़िया ही रहता है। ठीक है। एक हमारे जीवन में हमेशा समाधान संतोष रहेगा व्हेन वी अंडरस्टैंड कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। Krishna is the supreme controller and whatever he desires, तो उस हिसाब से हम भगवान को भी बहुत ये प्रेम में ही ना कि whatever you desire, जैसे महाप्रभु की शिक्षाओं में हम समझते हैं जानते हैं, जो ब्रज वधुओं का ब्रज गोपियों का, विशेष करके ब्रज वधुओं का ब्रज गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, भाव था, राग अनुराग था, स्नेह था, प्रणय मान, वो पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है वो। और उसमें भी ना गोपी गीत, गीतों में भागवत गीता भी है लेकिन गीतों में जो गोपी गीत है वो पराकाष्ठा है गीतों की, हर गीत की। गोपियाँ भी भगवान को देखते हैं ना कि भगवान के वो खोज में रहती हैं एकदम से, लेकिन वो फिर एक बार के लिए छोड़ देते हैं भगवान का पीछा करना। एक प्रकार से पीछा करना मतलब ठीक है, वो वन में और वृंदावन में, वन में और आगे नहीं जाते, क्योंकि नॉट फॉर देयर ओन वरी या फियर। डेंस फॉरेस्ट में इफ आई गो इन आई माइट गेट हर्ट, आई माइट गेट इंजर्ड, खुद के स्वयं के
सुख की चिंतन की अभिलाषा को लेके नहीं, तो कृष्ण के सुख का ही चिंतन करते हुए कि हम भगवान के पीछे, हम कृष्ण के पीछे अगर ढूंढते ढूंढते भागते भागते समझो वन में और गहरे वन में जाते रहे तो कृष्ण भी हमसे मिलना नहीं चाहते ना अभी, तो वो भी गहरे वन में और अंदर जाते रहेंगे तो कृष्ण को परेशानी होगी इससे. सो लेट अस नॉट बॉदर हिम. बट ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया भगवान को, भाव से कभी नहीं छोड़ा ना. वो तो पूरा सतत स्मरण भगवान का, सतत रह नहीं पाए भगवान. रह नहीं पाए. खैर, भागवतम की महिमा अनंत है. भागवत गीता की, भगवत तत्व की महिमा अनंत है. किसी दिन और भगवान से प्रार्थना करेंगे भागवतम में भी हमारा प्रवेश हो. तो ये जो कृष्ण जो भी करते हैं ना, वो दिव्यता की सोपान में ही करते हैं. और दिव्यता की सोपान में करते हैं भगवान, और जो कुछ भी करते हैं मिठाई करते हैं, बहुत मिठाई. भगवान तो पूरे रसों के सागर है ना, रसिक शेखर है, रसो विवस है, स्रोत है रस के, और माधुर्य रस से परिपूर्ण पूरा आस्वादन करते हैं. इनफैक्ट ये परिपूर्ण कहना भी पूर्णता नहीं है. या स्टिल इन दैट कंजर्वेटरी ऑन द बॉर्डर एरिया. या श्योर. तो उसी प्रकार भागवत गीता या भगवान जो भी करते हैं वो हमारे अल्टीमेट हित, हमारे अल्टीमेट कल्याण के लिए करते हैं. कई प्रयोजन है, कई प्रयोजन है. भक्तों को परस्पर प्रेम देना, भक्तों को परस्पर रस आस्वादन करना, स्वयं भी भगवान स्वयं का भी रस आस्वादन करते हैं, करवाते हैं, भक्ति की महिमा का उजागर करना, अनेकों प्रयोजन है. और हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए भी भगवान सभी कुछ करते आ रहे हैं. जब हम साधक बने ना, साधना क्रम में अगर हम बंधे साधक बने, तो हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे कि भगवान आप जो कुछ भी किए हो मेरे जीवन में और करते कर रहे हो, वो सब आपकी कृपा है, वो सब आपकी कृपा है इन अ वे टू ब्रिंग मी क्लोजर टू यू. अब एग्जाम में पास हो गया या फेल हो गया इत्यादि, है ना, पास भी अगर हम ये ना साधक भाव में अगर हम आ सके ना, एस्पिरेंट, हाँ, वी मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू लव कृष्णा, टू सर्व कृष्णा, देन वील डेफिनेटली रियलाइज आवर पासिंग इन एन एग्जामिनेशन और क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन और एनीथिंग फॉर दैट मैटर इज कृष्णाज अरेंजमेंट टू ब्रिंग मी क्लोजर टू हिम. जितने ललायत हम नहीं होंगे ना भगवान के दर्शन पाने के लिए, भगवान उससे ज़्यादा हमें ललायत लगेंगे कि कृष्णा वॉन्ट्स टू हैव आवर, कृष्णा इज कैरिंग फॉर अस, हाउ मच ही लव्स अस, हाउ मच. तो इसी आशा अपेक्षा उद्देश्य भगवान की और कृपा को आकृष्ट करने के लिए प्रयास है श्रीमद् भागवत गीता का थोड़ा अध्ययन करने का. और भगवान की कृपा तो हम समझते हैं ना, महत्पुरुषों की कृपा से ही भगवान की कृपा संचारित होती है या क्रियान्वित होती है. इट्स टू द ब्लेसिंग्स द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज ओनली दैट द मर्सी ऑफ कृष्णा इज इग्नाइटेड और एक्टिवेटेड. तो भागवत गीता का अनुशीलन यही प्रयास है. शुद्ध भक्त हमसे प्रसन्न हो, हमारे जीवन में शुद्ध भक्त का आविर्भाव हो, और साक्षात भगवान के, स्वयं भगवान के उद्गार हैं ये तो, है ना, उन्हीं के गीत हैं. और उसमें भी विशेष करके भगवान के शुद्ध भक्त शीला प्रभुपाद, उनके तात्पर्य. तो चलिए इसका और हम रस आस्वादन करने का प्रयास करें. तो अध्याय 5 और श्लोक संख्या 21 से. बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि युक्त सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते.
दीक्षा आप पढ़ पाओगे क्या? अनुवाद तात्पर्य या ओके हर्षा आप भैया, पढ़िए, हर्षा आप ये पढ़िए, दीक्षा आप नेक्स्ट पढ़ना है। ओके भैया, हर्षा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हाँ जी। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। कृष्णा भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है, यद्वधि मम चेत कृष्ण पादार विंदे नव नवरस धामन युद्धतम रंतु मासीत तद्वधि बत नारी संगमे समर्यमाने भावती मुख विकार सुष्ठु निष्टिवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी कारण के किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। पांचवें अध्याय बहुत हरी अध्याय में 18वां श्लोक बहुत अच्छा है सारे है, और देखिए कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर उद्गार। एक बार फिर से अगर अनुवाद देखें तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में वास्तव में हम जुड़े ना, तो ये जो संसारी सुख है ये बड़ा ही निम्न कोटि का सुख है। अलग अलग स्तर के संसारी सुख हैं, और जो संसार में सबसे उच्चतम सुख समझा जाता है काम वासना की पूर्ति, काम वासना की पूर्ति, और उसमें विशेष करके स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण, जो कि कृष्णा भावनामृत में
अगर हम भगवान के भजन में जुड़े, भगवान की सेवा में, नाम जप के अनुशीलन में जुड़े, तो संसार का कोई भी ऐसा सुख हुआ ना, हमें बड़ा ही निकृष्ट लगेगा। अभी तो सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित होने के कारण असीम सुख भोगता है। जैसे तात्पर्य में हमने देखा ना, शिला यमुनाचार्य जी ने जो बताया, क्या सुंदर भाव है। यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंद, कि जब से मेरा चित्त ना भगवान के चरण कमलों में लगा है, चरण कमलों से कहने का आशय भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में। और सेवा कैसे करी जाए भगवान की? भगवान का नाम जप करके, उनका नामों का उच्चारण करते हुए। और कैसे करी जाए? भगवान का कथा श्रवण करके, भगवान की महिमा, भगवान की गुणगान, भगवान की भगवत्ता, उसका हम जितना श्रवण करें, जितना श्रवण करें, कम है, एकदम कम होगा वो। और हमारे चित्त में उसी से निर्मलता, उसी से एक शांति, उसी से हमारे चित्त में बाम लगेगा, उसी से हमें हमारे जीवन में एक ठहराव भी आएगा। वो ठहराव कोई संसारी ठहराव वाली बात नहीं है। चित्त में शांति आना, बाम लगना, ये कोई संसारी नहीं कहने का, कि भगवान की जितनी हम कथा श्रवण करेंगे उतना हम भगवान की ओर आकृष्ट होंगे और ललायत होंगे। अल्टीमेटली तो बिना लालसा के भजन नहीं होता ना, बिना लालसा के प्रेम नहीं होती, बिना लालसा के, बिना लोभ उत्पन्न हुए, बिना व्यग्रता के, बिना डेस्परेशन उत्पन्न हुए, बिना उत्कंठा के, बिना एंथुसियाज्म उत्पन्न हुए। तो ये लालसा, उत्कंठा, व्यग्रता, ग्रीडीनेस टू अटेन कृष्णा, टू अटेन कृष्णा एसोसिएशन, टू अटेन कृष्णा सर्विस, टू अटेन दर्शन ऑफ कृष्णा, टू अटेन अ रोल इन द इटर्नल लविंग पास टाइम्स ऑफ कृष्णा, उसके लिए लोभ उत्पन्न होना होगा ना। उसके लिए वी हैव टू बिकम एंथुसियास्टिक एंड इट हैज टू कम नेचुरली एज वेल, एंड वी शुड बी मेकिंग एफर्ट्स, वी शुड मेक एफर्ट्स, वी जस्ट कैन नॉट सेट कि हाँ जिस दिन होना होगा हो जाएगा। भगवान ने एक चीज़ हमारे हाथ में दे रखी है ना, और वही उस वही ट्रम्प कार्ड है हमारे लिए, और उसका हमें भरपूर उपयोग करना है। वो क्या है? इच्छा, इच्छा या ये प्रयत्न, प्रयत्न से भी पहले इच्छा, वैसा वो चीज़ हमारे हाथ में ना, वो भाव, वो इच्छा, तो भगवान को पाने की इच्छा, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा और इसकी अनुभूति ना, अनुभूति मतलब एक एक्सपीरियंस, एक रियलाइजेशन टोकन रूप से हमें हो सकता है जब हम भक्तों के संग में साधना क्रम में जुड़े, है ना। जब भक्तों के संग में हम नाम जप करने लगे, भक्तों के संग में हम भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करने लगे, भगवान की महिमा का गुणगान सुनने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवत प्रसाद पाने लगे, भगवत सेवा में जुड़ने लगे, तो हम अनुभव कर पाएंगे अद्वितीय सुख। हम एक अद्वितीय सुख अनुभव करेंगे, अनपैरेलल्ड, नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। और वो ऐसा सुख है स्थाई और किसी पे आश्रित नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मटेरियल मंडेन। तो वैसा एक टोकन का हमें एक्सपीरियंस, अनुभूति, वो काफी हमें तार देने के लिए एकदम से, है ना। तो वो उतना काफी है हमें कि फिर हम अपने आप को अग्रसर बनाएं उस भाव को प्राप्त करने के लिए, उस लोभ को उत्पन्न करने के लिए। हमें कमी खलनी चाहिए ना। देखो अनादिकाल से, अनादिकाल से हम क्या बने, मम्मी बने, पापा बने, बॉस बने, स्टूडेंट बने, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, और कभी कभी पशु भी बने पता नहीं कितनी बार पशु बने हो, कितनी बार वृक्ष, क्या कुछ नहीं बने, और भक्त भी बने होंगे, भक्त भी बने, लेकिन एक शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, या एक शुद्ध भक्त की शुद्ध, पूर्ण शुद्ध भाव से हम सेवा नहीं कर पाए। भगवान का नाम जब,
भागवत के भागवतम का अनुशीलन भी हम पूर्ण शुद्धता के साथ पूर्ण आश्रय के साथ पूरा नहीं कर पाए। तो ये मनुष्य जीवन हमें वो अवसर देता है, जो बिजनेस हमारा अभी तक आधा अधूरा रहा रह रहा है उसको पूर्ण करने का, एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड टू शो इवन मोर अप्रिसिएशन ऑफ कृष्णस काइंडनेस इन आवर लाइफ। तो यमुनाचार्य जी कहते हैं ना, यद्यवति मम चेत कृष्ण पदारविंद, भगवान के चरण कमलों में जब से मेरा चित गया है, भगवान की सेवा साधना रूप से अगर हम देखें और फिर और आगे, तो क्या क्या हुआ, यद्यवति मम चेत कृष्ण पदारविंद नव नवरस धामनी उद्यंतम रंतुमासित, नव नवरस धानी उद्यतम रंतुमासित। तो अब बताओ संसार में कोई एक ऐसा एंगेजमेंट आप बताओ जिसमें एंगेज होने पे हमारी जो एक इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना इंक्रीजिंग क्या मार्जिनल रिटर्न्स और डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ऐसा बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी या डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, थोड़ा कॉमन सा एक प्रिंसिपल है, आप सबने सुना भी होगा या जानते होंगे, अगर कोई कुछ थोड़ा सा बताना चाहे। हाँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ तो बताइए क्या। जैसे एग्जांपल एक मुझे याद है कि अगर आप पानी में चीनी घोलेंगे, एक चम्मच डालेंगे, दो डालेंगे घुल जाएगा, तीन डालेंगे घुल जाएगा, बट एक टाइम पे आके वो मतलब नहीं हो पाएगा। सो वो डिमिनिशिंग, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली बट दिस इज व्हाट आई नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है मार्जिन डिमिनिशन मार्जिनल लॉ में कि आप जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, आपने एक चपाती खाई तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बहुत ज्यादा था, जब दूसरी चपाती खाई तो जो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो पहले वाली रोटी से कम था, और जब तीसरी खाई तो वो उससे ज्यादा कम होता गया। तो क्या होता है, जैसे आपका नंबर ऑफ मतलब रोटी बढ़ रही है, आपका जो नंबर ऑफ जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जा रहा है। ये छक्का मार दिया ना पूरा दीक्षण, एकदम स्पॉट ऑन ना, पूरा का पूरा वेरी नाइस है ना। तो यही जैसे चपाती, या देखो अब सबको खाने के लिए ना, किसी को गुलाब जामुन बड़ा पसंद हो, अब आप में से किन्हीं को गोलगप्पा बहुत पसंद होगा ना, टिक्की भल्ला चाट इत्यादि ये सब, हाँ वॉट एवर, अब कईयों को गोलगप्पा बहुत पसंद है, सोन पापड़ी समथिंग फॉर दैट मैटर, या कोई भी ऐसी एंगेजमेंट ना, किसी को गाड़ी चलाना बड़ा पसंद है, किसी को फोन बड़ा पसंद है, कहीं पे भी आ सकती हो हमारी। हाँ तो अब देखो संसार में सारा का सारा जो ऐसा सुख है ना, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिन, जैसे अब सामान्य उदाहरण वही जो दीक्षा कह रही है, चपाती या समझो गोलगप्पा, अभी पसंद है बड़ा है ना गोलगप्पा खाना, हाँ अब क्या भाई पहला गोलगप्पा गया मुँह में इतना स्वाद आता है, कितना बढ़िया, दूसरा गया और उससे बढ़िया, तीसरा गया उससे और बढ़िया, फिर चौथा, ओ बस अब लिमिट आ गई ना, अब हमारी सीमा आ गई, अब उसको बोलो भैया को पांचवा लो छठा लो आप, नहीं भैया, वो फोर्सफुली खिलाते भी रहे तो नो, अब फीका है भैया, अब बस इतना ही, तीन तक ही चार तक ही, फोर्थ नहीं चलेगा, या डिमिनिशिंग अब ख़त्म ना। तो संसार में ऐसा हम कोई भी चीज़ में अपने आप को एंगेज करें, उसके एक एक टाइम के बाद देखो व्यापार कितना ही बढ़ भी जाए किसी का, लेकिन नहीं भाई रस नहीं, आदमी कितना ही धन कमा ले, कमाते कमाते बस अब भाई अब धन नहीं, अब धन से आवेश छूट रहा है हमारा, या धन में वो सुख नहीं दिख पा रहा ना, ऐसा कुछ भी हो तो संसार में अगर हो तो आप लोग बताइए कौन सा ऐसा संसार में एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट ना बड़ा मतलब ऐसी क्रिया जिसमें हम अपने आप को नियोजित करें, अपने आप को हम लगाएं, व्यवस्थित करें, सिचुएट करें, एस्टेब्लिश करें, ऐसा कौन सा संसार में ऐसी प्रैक्टिस है जिसको करते करते हम बार बार नया नया रस अनुभव करते हो। किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कितना ही पैशन हो स्पोर्ट के लिए,
सबकी एक सीमा एक लिमिट आ ही जाती है। है क्या संसार में ऐसा कोई एंगेजमेंट जो नव नव रस धामनी, है ना, जैसा यमुनाचार्य जी कह रहे हैं कि नया नया नित्य नूतन नव नव रस धामनी उद्यम रंतुमासित, है ना, भले ही ये स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण इत्यादि, लेकिन सबकी एक सीमा एक शिथिलता आई जाती है, आती आती है। और वही क्या कह रहे हैं वो कि यदवति मम चेत कृष्ण पदारविंद नव नव रस धामनी रंतुम उद्यतम रंतुम आसित। तो ये भगवान की सेवा में जब वो अगर हम जुड़े ना नाम जप के माध्यम से, भागवतम के अनुशीलन के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, जो भी हरि नाम संकीर्तन में जुड़ते हुए इत्यादि, तो दिन प्रतिदिन नित्य नवीन रस मिलेगा हमें, है ना। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार भारत में मेरे ख्याल से किन्हीं ने पूछा था कि स्वामी जी आपको कैसा लग रहा है, ऐसे इतनी बड़ी उम्र में आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़ी उम्र में, और अभी आपको देख रहे हो इतने मंदिर और बन रहे हैं, आपके भक्त लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, क्या कैसा लग रहा है, मेरे को तो बुढ़ापे में जवानी आ गई, ऐसा हो गया पूरा। तो ये है ना कृष्ण भावनामृत, बुढ़ापे में वास्तव में हमें जवानी लाए, बोलते ना जंगल में भी मंगल इत्यादि, क्योंकि ये आत्मा का विलास है, आत्मा का, और आत्मा इसी के लिए ललायत है, इसी के लिए। तो ये जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है, अध्ययन है, ये हमें दिन प्रतिदिन हम जितना करें और ज्यादा ज्यादा करते रहे तो ज्यादा ज्यादा हमें सुख एकदम बढ़ते रहेगा। वरना संसार में देखो कोई कितनी बढ़िया पिक्चर हो, कितनी बार हम उसको देख सकते हैं, कितना ही अच्छा गीत हो, कितना उसको हम बार बार गा सकते हैं, कितना ही अच्छी हॉलीडे डेस्टिनेशन हो, कितना वहां पे बार बार जा सकते हैं। संसार में बताओ हम कैसे सुख अनुभव करते हैं, सब जंपिंग हॉपिंग एंड कैचिंग, इसी हिसाब से खेल खेलते थे ना बचपन में, क्या हॉपिंग एंड कैचिंग। तो संसार में हमारा सुख का ऐसा ही है, जंपिंग हॉपिंग एंड कैचिंग, आज किसी में मन लग रहा है, कल किसी और में लग रहा है, परसों किसी और में लग रहा है, भटकते हम चिड़िया की तरह, इस डाल से उस डाल में, उस डाल से इस डाल में, कहीं पे आश्रय नहीं पा पा रहे हैं, शेल्टर नहीं पा रहे, कंप्लीट, है ना, शेल्टर जो हमें एकदम से फिर सैचुरेट कर दे या हमें एकदम से मटेरियली सेटिस्फाइड करा दे। वो शेल्टर तो वैसा भाव, वैसा सुख, वैसा शांति तो भगवान की सेवा में जब जुड़े तभी अनुभव होगा, है ना। भगवान के नाम जप करके, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन, भक्तों के संग में भक्ति करके, तो संसार में कोई ऐसा सुख नहीं। अगर हो तो आप लोग बताइए, सोच विचार करके बताइएगा। प्रभुपाद जी को एक बार और किन्हीं ने बोला था, शायद आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड परहैप्स इन इंडिया, आई डोंट नो, बट यहाँ कि स्वामी जी आप ये कृष्णा भावनामृत और कृष्णा कृष्णा या गॉड इतना नहीं, जैसे समथिंग ऑन दोज लाइन्स, एंड कि भाई on this practice of Krishna consciousness, Prabhupada to is such a open-minded person, na? He is a very open-minded person. So Prabhupada said ki dekho, agar aapke paas, dekhi hum to jo bolte hain, hum to Bhagavad Gita Bhagavatam Brahma Samhita ke aadhar pe bolte hain, na? Brahma Samhita mein Bhagwan ki roop,
हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में हमें और समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनको कि देखो, हम तो जो बोलते हैं करते हैं वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत है ना, भागवत गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता, और आचार्यों ने जो परंपरा चली आ रही है, भगवान से शुरू हुई परंपरा, उसी को हम प्रैक्टिस करते हैं, उसी का हम प्रचार प्रसार करते हैं। अब तुम्हारे पास कुछ ऐड करने के लिए है, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड फर्दर टू दिस, भगवान की महिमा, भगवान के बारे में कुछ और बताने के लिए है तो लेके आओ। हाँ, और मान्यता रहित शास्त्रों से, एंड वी आर हैप्पी टू लिसन, वी आर हैप्पी टू अंडरस्टैंड, एंड वी आर हैप्पी टू इम्बाइब, वी आर हैप्पी टू टेक इट ऑन बोर्ड। हमारे प्रैक्टिस में भी अगर आप बताओ कुछ और पर सुधार के हिसाब से जो रिवील स्क्रिप्चर्स या मान्यता ग्रंथों से हो ना, तो आप अगर ला सको तो बताओ हमें, हम उसको हमारे एकोमोडेट करेंगे उसको। तो संसार में ऐसा कौन सा सुख है बताओ आप, जो ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, यही पढ़ते हैं ना, जैसे ये समझो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये हमने पढ़ा ना स्कूल कॉलेज में इत्यादि, तो वैसा एक इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न भी होगा, और उसका क्या हरे कृष्णा। इंटरनेट के देखते हैं आज कैसी क्या कृपा रहती है। हाँ, तो ये हम कह रहे थे ना कि जैसा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का ये कॉन्सेप्ट है, वैसा ही इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न भी होगा। वो क्या बताता इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, अगर कोई कुछ कहना चाहो। है क्या कुछ ऐसा इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न? आवाज आ रही होगी ना अब शायद, जैसे यस भैया, ठीक है, अल्टीमेटली हम सुख के पीछे ही हैं, और अगर कोई और सुख मतलब इट हैज टू बी स्वच्छ निर्मल, सुख मतलब जो बढ़ता हुआ सुख, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास बढ़ता हुआ सुख की ओर लेके जाता है हमें, और यही हमारे हृदय की अभिलाषा भी है, बढ़ते हुए सुख को ही पाने के लिए, यही हमारा हृदय का अभिलाषा भी है, बढ़ता हुआ सुख। और ये कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में अगर हम जुड़े तो हम स्वतः समझ सकते हैं। आसक्ति तो है हमारी, नेचुरली हम आसक्त हैं ना, संसारी विषय वासना में, भोग वासनाओं में इत्यादि, हमारे दृष्टि में बहुत दोष है, इसीलिए सब कुछ हमें संसार का ही दिखता है ना, मैटर ओरिएंटेड दिखता है, और शुद्ध भक्त को सब कुछ भगवान का ही दिखता है। हमारे दृष्टि में दोष है खूब, और बुद्धि में द्वेष है, बहुत द्वंद्व भरा हुआ है ना बुद्धि में, बहुत द्वंद्व भरा है। लेकिन कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से, जैसे अब देखो ये कल परसों पढ़े ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनि चैव स्वपाकी च पंडित समदर्शिना, कि इक्वल विजन। अब इक्वलिटी के नाम पे संसार में देखिए कितने
डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, कितनी आइडियोलॉजीज, कितना कुछ होता है. और भारत में तो फिर भी थोड़ा कम होगा, पाश्चात्य देशों में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है आई थिंक. तो अब कहाँ पे इक्वलिटी, आप बताओ कहीं पे. हमारे शरीर में भी देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, एक फिजिकल मेजरमेंट के हिसाब से भी कहें तो, या जो काम करने की बात भी कहें तो. वो बोले भाई ये तो एक फिजिकल मेजरमेंट की बात है, तो भाई जो काम छोटी उंगली करती है वो अंगूठा नहीं कर सकता ना, जो काम बीच की उंगली करती है वो बाकी नहीं कर सकते. या हिसाब से हमारी दोनों आंखों का भी अगर हम चेक कराएं विजन, प्राय एकदम स्पॉट ऑन तो नहीं मिलता बराबर. किसी आंख में थोड़ा ज़्यादा दिखने का है, किसी में थोड़ा कम, भेद रहता है कि नहीं. तो ये इक्वल विजन ये संसार में कहाँ पे है, जैसा एकदम ये सेक्युलर और इक्वलिटी के नाम पे कोई कोई हम आगे इतना बढ़ नहीं पा रहे, कोई नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे. और देखो आप ये क्लास में एग्जाम होते हैं तो सबको इक्वल मार्क्स दे देते हैं क्या भाई? नहीं, वन आता है ना रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक. स्पोर्ट्स में देखो, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे ना पीछे, उसमें देखो आप फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज देते ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. तो देखिए अब ये स्पोर्ट्स वाला उदाहरण देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे ना, और ओलंपिक्स में भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज देते हैं, बट किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते ना. वो ही समदर्शी ना है, जो भी एथलीट, पार्टिसिपेंट है इत्यादि, किसी भी देश का भले वो 10वें नंबर पे आया हो, लेकिन ये कोई अधिकार नहीं है ना कि हम किसी को भी ऊंचा नीचा रैंकिंग, ऊंचा नीचा व्यवहार में वैसा देखें. बट जिसको फर्स्ट मिला है उसके लिए तो होगा ही ना, उसको गोल्ड देंगे और उसकी इंटरव्यू होगा, सब कुछ होगा उसके लिए. एंड कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ रेस में या क्या किया, आप पिछले साल जो फर्स्ट आया उसके लिए एक हेड स्टार्ट होगा, तो वो प्रिविलेज पोजीशन पे है भाई. वी हैव टू एक्सेप्ट, वी शुड एक्नॉलेज, वी शुड अंडरस्टैंड, है ना. वी शुडंट गेट वेरी इगोइस्टिकली पफ्ड अप, या नॉट पफ्ड अप एज सच, बट वी शुडंट गेट वेरी इगोइस्टिकली बेफल्ड, कंफ्यूज्ड, या मेकिंग अ रॉ अबाउट इट, या इश्यू अबाउट इट एज सच. तो ये समदर्शी ना, ये समता ना, जब हम अपने आप को समझें कि हम भगवान के हैं, बाकी सब भगवान के भी हैं, तभी जाके वो संभव आएगा, अन्यथा नहीं आएगा. अन्यथा तो संसार में देखो नियम कानून बनाते रहेंगे हम, ये लॉ वो लॉ, ये अभी ये एबॉलिशन कर दो, इस लॉ को हटाओ, नया एक सोशल रिफॉर्म करो, नया लेके आओ. जब तक चित्त में ये नहीं समझेंगे ना हम किसके हैं, भगवान के हैं, भगवान कौन है, क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ, संसार का कोई नियम कानून हमें शांति की ओर नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता. तो अभी जो हमारा सुख है ना संसार में, बाह्य सुख हम भोगते हैं, बाह्य सुख की ओर हम भागते हैं, एक्सटर्नली, एक्सटर्नल सुख ना. और एक्सटर्नल मतलब बॉडीली आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से. भक्त भी होता है तो वो भी सुख भोगते कैसे, शरीर नहीं, इसी शरीर का माध्यम से ना, इसी शरीर, इसी इंद्रियों के से, मन बुद्धि इत्यादि, लेकिन उसकी चेतना शुद्ध करता है वो, चेतना दूषित चेतना नहीं, शुद्ध चेतना से, तो वो एक शुद्ध अंदरूनी सुख भोगता है. अंदरूनी से कहने का आशय कि वो ये समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आई एम एंटी मैटर, आई एम स्पिरिचुअल, है ना, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान सच्चिदानंद विग्रह, तो मैं भी अपने स्वरूप में सच्चिदानंद हूँ. बट हमारा व्यवहार हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी जो फॉर्म है या आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम, हमारा व्यवहार नहीं है, इसीलिए हम अनलिमिटेड जॉय अनुभव नहीं करते, या इंक्रीजिंग जॉय अनुभव नहीं करते. बट साधना क्रम में आके हम अपने आप को क्या, मैटर से स्पिरिट की ओर ट्रांजिशन करते हैं, उस भाव में, उस चेतना में आते हैं, तो फिर साधना क्रम में आके हम देख सकते हैं. अन्यथा देखो आप
कहने को तो म्यूजिक ही है, लेकिन म्यूजिक आप सुनो, कोई भी म्यूजिक हो, कितना ही अच्छा सिंगर हो, वो सॉन्ग को हम बार बार प्ले नहीं कर सकते। एक सीमा है, वो उतने तक बढ़िया, उसके बाद उसके टाइम अप, एक्सपायरी डेट। लेकिन भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा महामंत्र का जप, हरे कृष्णा कीर्तन हम सुने भक्तों के माध्यम से, भक्तों से, हाँ, तो उसको बार 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 जितना बार सुनेंगे उतना हमारे हृदय में और आनंद उल्लास बढ़ता रहेगा। देखो ना, समझने की बात है, क्या है, तीन शब्द ही हैं केवल पूरे महामंत्र में, हरे कृष्ण राम, तीन ही शब्द। अर्थ भी कईयों को नहीं पता हो, लेकिन नाम जप करने लग जाओ आप, कीर्तन सुनने लग जाओ बिना अर्थ के समझ के भी, तो भी कितना आनंद आएगा, और वो आनंद बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा वो आनंद। ये इतना ही थोड़ा सा बस विवेक चाहिए। बॉलीवुड इत्यादि कोई भी गाने सुने हम, कहाँ तृप्ति है कुछ, उल्टी का और एंटेंगलमेंट हो जाएगा और बंधन में आ जाएंगे। भगवान का नाम जब कीर्तन सुनेंगे तो हम अपने आप को फ्री बर्ड महसूस करेंगे, पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्या कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। दीक्षा आप पढ़िए, आपका पसंदीदा श्लोक है ना, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख यो नय एव ते, आदि अंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधम्। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अनंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मध्य सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। योगी जन परम सत्य के रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवतम में 4.4.2 में भी कहा गया है, 5.5.1 में श्रीमद् भागवत में, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजान, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे दियस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकारों को भी पर्याप्त है, पर्याय है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यत, यत, जो यथार्थ योगी या दिव्य जनी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भावरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक
भौतिक दुख मिलते हैं। है ना, गजब के तात्पर्य है ना प्रभुपाद के। देखो, और ये भगवान 5000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं ये बात। ये तात्पर्य कब लिखे प्रभुपाद ने? 50 साल पहले, 56 साल, 55 साल, वॉट एवर, है ना, सन 1970 में, समझो आप, है ना, 1970 में लिखे। और तब तो इतना भी ऐसा नहीं था ना, गाड़ी घोड़ा कहाँ था, कितने लोग इंडिया में तब प्लेन से ट्रेवल करते थे, इनफैक्ट यूएस यूरोप में भी कहाँ था बताओ, इतना नहीं था ना मटेरियल एडवांसमेंट। अब देखो आईटी तो कहाँ था तब, सोचो बिना आईटी के, बिना ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कैसे प्रभुपाद जी ने 12 सालों में कितने मंदिरों का भारत भर में, भारत के बाहर विश्व भर में मंदिर, सेंटर्स, फार्म्स, गुरुकुल्स, सब कुछ खोला किया। गजब का, ठीक है, थोड़ा और प्रयास करेंगे समझने का। अनुवाद पढ़िए। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। एक कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अनंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति अन्य आनंद नहीं लेते। बहुत सुंदर अनुवाद, बहुत सुंदर तात्पर्य, क्या दिव्य संदेश ना, एक्चुअली कितना अच्छा संदेश है। ये सब हमें जीवन में सही से अग्रसर रखने के लिए, सही से बढ़ने के लिए समझने सारे, जैसे ना भगवान हमें, हमें खुद नहीं पता हमारा क्या मूल्य है, क्या भाव है, क्या वर्थ, क्या पोजीशन है हमारी। हम अज्ञान में, भगवान थोड़ी ना अज्ञान में, भगवान कितना प्रेम करते हैं ना हमसे। जैसे यही देखिए, एक 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 प्रकार से एक निशानी है भगवान का, देखिए भगवत्ता कितनी सुंदर भगवत्ता। ये पांचवा अध्याय है ना, पांचवा अध्याय 22वां श्लोक, मतलब कहने का आशय है अभी तक कम से कम 150-200 श्लोक हम पढ़ चुके होंगे। हैं अब भगवान क्या कह अर्जुन को, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, है ना, अंतिम में लास्ट लाइन क्या, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, है ना। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान अर्जुन से क्या अपेक्षा करते हैं कि अर्जुन तुम चतुर हो या चतुर बनो, है ना। चतुर मतलब इंटेलिजेंट, हम संसार में थोड़ा चतुर को एक नेगेटिव कोनोटेशन भी आता है ना, कि ज्यादा ही कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंस तो भैया नहीं चलेगा, है ना। कृष्णा भावनामृत में टू इंटेलिजेंस, टू मच इंटेलिजेंस तो देखो संसार में ऐसे भी नहीं चलता ना कोई। अगर आप देखो जॉब में, व्यापार में, हरे कृष्णा, तो टू मच ऑफ इंटेलिजेंस इज अ साइन ऑफ डेमोनिक मेंटेलिटी ऑनेस्टली। कुछ ज्यादा ही चतुर बने ना तो इट इज अ साइन ऑफ डेमोनिक मेंटेलिटी। फिर वो व्यक्ति क्या ना, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर एजेंडा, या वेरी इगोइस्टिक, वेरी प्राइड। तो हमें कोई ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं बनना, बस पर्याप्त, सफिशियंट, रिक्वायर्ड मिनिमम इंटेलिजेंस चाहिए। और वो मिनिमम इंटेलिजेंस के अर्जुन ने समर्पण किया ना अपने आप को भगवान को, उतना ही बस, वही चाहिए, वही मिनिमम, वैसा ही चाहिए। तो भगवान कितना सुंदर बोल रहे हैं, देखो देखिए बोलने के भी सब सब भागवत गीता हम श्रवण करेंगे ना तो हमारा हर जीवन का हर एस्पेक्ट
सही बैठेगा, हर बोल चाल उठ बैठ सारे व्यवहार। तो अगर फिर से देखें भगवान क्या बोलते हैं, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भगवान कहने को ऐसा भी कह सकते थे ना कि मूर्खी उनमें आनंद लेता है, जो बेवकूफ हो ना वही उनमें आनंद लेता है। कहने को ऐसा बोल सकते थे ना भगवान, जो मूर्ख हो, जो बेवकूफ हो, जो नालायक है, जो गधा है एक प्रकार से। लेकिन नहीं, भगवान ऐसी वाणी एकदम ही यूज नहीं करते। और समझते ना, देखो अर्जुन का, किसी को अगर हम ऐसा बोले कि भाई जो मूर्ख है वो ही ऐसा करता है, और किसी को हम ऐसा बोले कि देखिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसे नहीं करते, तो हम सामने वाले से अपेक्षा करते हैं ना कि ये बुद्धिमान है या बुद्धिमान बने, या उनमें वो कैपेसिटी या पोटेंशियल या दमखम है। इफ दे अलाउ देमसेल्स, इफ दे गिव देमसेल्स अ चांस, इफ दे ट्रेन देमसेल्स, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर ट्रेन करें तो। कितना ये, तो ये कितना बोलने की शैली है इस हिसाब से। और भगवान इज और कृष्णा इज द मोस्ट पीसफुल ना, तो जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, जो मोस्ट पीसफुल होगा, वही देखिए युद्ध के समय भी इतनी कामनेस, ऐसा कामनेस, ऐसा जेंटल व्यवहार युद्ध के समय एकदम, वही साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज गॉड, ही इज गॉड, गॉड प्रॉपर बाय डिफॉल्ट। वी कैन नेवर बिकम गॉड, बट वी कैन बिकम गॉड्स। हम भगवान कभी नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के जरूर बन सकते हैं। हम हैं ही भगवान के, इसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। हम भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के जरूर हैं, भगवान के हैं हम। संसार में ही है, सत्य बात है, संसार में है। कई ऐसे पंथ, कई ऐसे साधना केंद्र समझो, आध्यात्मिक संस्थाएं समझो, या आध्यात्मिक गुरु, सो कॉल्ड गुरु, या गुरु अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअली लर्नेड स्कॉलरली इत्यादि समझते हैं। और जो इसमें कि तुम भक्त हम जरूर बन सकते हैं, और उसी के लिए हमें खूब से खूब प्रयत्न करना चाहिए। तो अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो रमना का, रमने का क्या मतलब हुआ अनुवाद में, है ना, रमता। मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। संसर्ग मतलब एसोसिएशन, कांटेक्ट में आने से, संपर्क में आने से। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो जो ऐसे भोग है ना, जिनकी एक शुरुआत है और फिर उनका एक अंत भी है, एक बिगनिंग डेट है और एक एंड डेट है, एक्सपायरी डेट है। तो उनकी एक बिगनिंग डेट है और एक एक्सपायरी डेट है। अब किसी चीज की अगर एक्सपायरी डेट हो, तो उसमें हमें इतना आसक्त हो जाना चाहिए क्या, ये प्रश्न है। और इसको ही अगर हम समझ सकें, तो ही हम अपने आप को बुद्धिमान कहला पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हम बुद्धिमान हैं, कितने हैं, कितने बुद्धिमान बन रहे हैं, है ना। अगर हम सोचो, ये इस शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है ना, एंड डेट है,
अब इस शरीर को पता होते हुए भी इसके एंड डेटा, और फिर हम इसको पॉलिश करने में लग जाए, इसी को चमचमाने चमकाने में लग जाए, और इस शारीरिक बुद्धि से, शारीरिक वासना भोग समझ देहात्म बुद्धि से ना, अपने आप को शरीर मान के, और फिर हम संसारी तौर तरीके संसारी व्यवहार में अपने आप को इतना बद्ध बना दें, इतना आबद्ध बना दें, इतना अटैच्ड एंग्रोस्ड, ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं है ना। अरे ये शरीर तो छूटने के लिए ही है बाबा, तो जो छूटने के लिए उसमें क्यों हम अपने आप को इतना आवेश अपना बनाए उसमें। कईयों को होता ना थोड़ा सा, फिल्म स्टार्स के बहुत सुंदर लगते ना, वाह वो हीरोइन कितनी सुंदर है, वो हीरो कितना सुंदर है, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, हर साल क्यों बदलते रहते मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, जो आज से 10 साल पहले थी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, वो आज के डेट में लगती है क्या मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड। टाइम अप बाबा, टाइम अप, टाइम अप, एक एक साल फिर नहीं लेके आओ, फिर नहीं लेके आओ, अब कौन देखते नया मिस वर्ल्ड बनता है, मिस यूनिवर्स बनते है। तो जिसके बुद्धिमान व्यक्ति इतना समझ जाए ना कि भाई इसके एक अंत भी है, और हमारी अभिलाषा देखो, हमारी इच्छा शाश्वत सुख के लिए है ना, हम भले कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई भी हो, भगवान को मानता हो जानता हो, भगवान की सेवा करता हो नहीं करता हो, धार्मिक अधार्मिक, लेकिन क्योंकि हम जीव है ना, क्योंकि हम चेतन जीव है ना, तो हम सब में ये स्प्रिया, ये आशा अभिलाषा कामना हमेशा सुखी रहने की है ही है, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है ना, आत्मा का स्वभाव है हमेशा सुखी रहना, हमेशा आनंदित, हमेशा सुरक्षित, हमेशा प्रफुल्लित रहना। तो अगर ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी अगर कैरेक्टर समझो अगर ऐसा है, तो फिर हम कैसे अपने आप को किसी और ऐसे एंगेजमेंट में डाल दें जो एक टाइम बाउंड हो। कोई ऐसा सुख है क्या संसार का बताओ, जो आप जिसकी एक सीमा नहीं है, जिसकी एक टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ये क्वेश्चन हम सबको करना चाहिए खूब से खूब। क्या कोई भी चीज में अगर हम सुख समझे ना, गोलगप्पा में, साड़ी में, गहनों में, गाड़ी में, यूट्यूब फेसबुक में है ना, फेम नेम फेम इत्यादि पॉपुलैरिटी, ये सब में, तो देखो प्रश्न करना चाहिए कि दो क्या, कितना सुख, कितना ज्यादा सुख, और कितनी देर तक का सुख, कितना ज्यादा सुख है, कितनी मात्रा में भी अगर उसको हम क्वांटिफाई कर सकें, कितना ज्यादा सुख, ये इंस्टाग्राम या किस में ना इतने लाइक्स हो गए, वो हो गए, कितना कितना क्वांटिफाई करके, संसार में देखो इस भौतिक चेतना में कितना ही हमें ला के दे दो, कितना ही ला के दे दो, कमी रहेगी रहेगी। 10 लाख करोड़ हजार लाइक्स आ जाए ना, 10 लाख हजार करोड़ कमेंट्स आ जाए एकदम इत्यादि, ये सब सब हो जाए, 10 लाख हजार करोड़ पैसा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी भाई हम पूर्ण रूप से संतुष्ट या सुखी नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। मटेरियल हैप्पीनेस मतलब इज ऑलवेज अ स्टेप अवे, मटेरियल हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ स्टेप अवे, सोचो ये बस अभी मिल जाएगा, बस अब आ गया, बस एकदम ऐसे ही हमारा भाव रहता है ना, बस एक बार ये जॉब लग जाए ना बात बन जाएगी, बस एक बार ये लोन पास हो जाए ना, एक बार ये वीजा लग जाए ना, एक बार ये एग्जाम पास हो जाए ना, बस फिर मैं उसके बाद मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल आएगा मैं देख लूंगा, कोई ऑब्स्टेकल आएगा मैं देख लूंगा, एक बार ये चीज पास हो जाए, एक बार ये लड़की हाँ कर देना, बस फिर लाइफ सेट है। सो भौतिक सुख इज ऑलवेज अ स्टेप अवे। एक छोटी सी कहानी देखिए, एक व्यक्ति होता है वो एक साधु जी के पास जाता है और उनको अपने हृदय का भाव शेयर करता है,
क्या हे साधु महात्मा जी, मैं बड़ा ही बहुत मेहनत करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक करता हूँ, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, जॉब, घर परिवार, लेकिन फिर भी सब्सटेंशियल सुख हाथ नहीं आता, एकदम नहीं मिलता एकदम से। तो ऐसे कहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ कि इतना सब कुछ करते हुए भी क्यों मैं अपने आप को सुखी नहीं पाता हूँ। देखो आप, अगर हम पढ़ें भी ना कईयों की बड़ी, जो हु आर अपेरेंटली डीम्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, इफ वी रीड मैनी ऑफ देयर लाइफ स्टाइल इत्यादि, उनका खुद का ही अनुभव, तो बताएंगे कि भाई एक्सटर्नली आई मे बी वेरी सक्सेसफुल, इंटरनली आई एम वेरी शैलो। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना, क्या ये इतना सुंदर है, प्रभुपाद जी कहते क्या, पीपल हैव स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि अरे बड़े पेसिमिस्टिक नेगेटिव व्यू लेके आते हो तुम, दिस इज समथिंग फॉर वन टू एक्सपीरियंस, वन टू चेक आउट, वन टू ऑब्जर्व, वन टू फाइंड आउट, है ना। और खुद ही को कभी हम देखें, डू आई ट्राई टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज अ हैप्पी मैन, और एम आई एक्चुअली अ हैप्पी मैन। पीपल हैव स्माइलिंग फेसेस बट क्राइंग हार्ट्स। क्या करें, बाहर तो दिखाना पड़ता है ना। ये पढ़ने वाली चीज गजब की है कि ये पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, और भगवान नहीं चाहते कि भाई ऐसा हो कि तुम, हमें भी भक्ति करनी पड़ती है ना, भक्ति करना नहीं पड़ता, ये पढ़ने वाली बात नहीं है कि ओ नो आई हैव टू डू इट, नो वी हैव टू डू दिस भक्ति, नो आई वॉन्ट टू डू इट, आई लव डूइंग इट, है ना। जपा करना पड़ता है, कोई भक्त ऐसा नहीं बोलेगा ओ क्या करें देवी जी, माता जी, प्रभु जी, हमें जपा करना पड़ता है, हमें ये पड़ता है ना। ये सब संसारी स्तर पे ही, जहाँ पे कुछ इनसेक्योरिटी इत्यादि ये सब बात हो ना, तो ही भाई करना पड़ता है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, टू सेव गार्ड आवर सेल्स, टू कीप आवर सेल्स फाइन, कीप आवर सेल्स ओके। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, करना पड़ता है, ये तो हृदय का भाव है, आत्मा का विलास उल्लास है, आत्मा करना चाहती है। आई वॉन्ट टू चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, आई लव चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। हाँ कितना सौभाग्य की बात है, क्या मेरे को ये अवसर है, आई गेट टू चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, कितने बड़े सौभाग्य की बात है, हम इसको समझ नहीं सकते, आकलन नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर मिला, ऊपर से समझो भारत की पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ, वो संस्कार मिले घर परिवार में, है ना। आज के डेट में भी साधु कल्चर है, और फिर साधुगण आए हमारे जीवन में, भागवत गीता भागवतम आया, भगवान का हरि नाम आया, और मेरे पास ये अवसर है, मैं भगवान का नाम जप कर सकती हूँ। सो आई गेट टू चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, आई वॉन्ट टू चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, आई लव चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। इसकी हम आंकलन नहीं कर सकते, तो ये पढ़ने वाली बात नहीं है। बाकी चीजों में हाँ भाई पढ़ता है, जॉब करनी पड़ती है, बिल पे करने पड़ते हैं, है ना, करना पड़ता है, टाइम से लॉग इन, टाइम से ये करना पड़ता है, फंक्शंस भी अटेंड करने पड़ते हैं, अपने आप को अच्छा भी दिखाना पड़ता है कि आई एम लुकिंग गुड, आई एम साउंडिंग गुड, आई एम अ गुड पर्सन। भक्ति में है वन कैन बी नेचुरल, वन कैन बी फ्री, वन कैन बी एज ही इज, और ये साधु समाज में भक्तों के संग में इतना पीसफुल अनुभव होता है, क्योंकि कोई जज नहीं कर रहा होता, कोई जज नहीं करता कि तुम्हें अंग्रेजी देखो तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम वो क्यों नहीं करते हो, तुम ये क्यों नहीं करते हो, कोई ऐसे रैंक नहीं करता हिसाब से, अरे तुम्हारे पास ये भी नहीं है, अरे तुमने वो भी नहीं लिया, अरे ये क्यों ले लिया, अरे ये क्या पहन लिया, इत्यादि इत्यादि।
कोई ऐसे केस लेके खड़ा नहीं हो जाता पीछे, है ना, नो वन गेट्स इनटू आवर केस। दैट सेंस भक्त लोग भी हमें एनकरेज करते हैं, या कई बार भक्त लोग भी हमें हम बोलते हैं ना कि भाई व्हाई आर डूइंग दिस, व्हाई आर नॉट डूइंग दिस, यू शुड हैव दिस, यू शुड हैव दैट, बट वो भाव पूरा अलग है, पूरा भाव अलग है। एक भक्त दूसरे भक्त का हाथ पकड़ना है ना, एक भक्त से का दूसरे भक्त से आलिंगन करना ना, एक भक्त से दूसरे भक्त के साथ नृत्य करना, ये गले लगना, ये जो सुख है ना, ये बड़ा ही आह्लादकारी, बड़ा ही मिस्टिकल है। भले उन भक्त को हम पहली बार मिल रहे हैं उनसे, लेकिन कोई सेपरेशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में, उस भक्त के हृदय में भगवान है, और ये हम दोनों ने, वी आर श्योर अबाउट इट। से कहने का आशा है कि हमारा सामान्य ज्ञान, भागवत गीता भागवतम के माध्यम से सामान्य ज्ञान पक्का है, क्या कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र बिंदु है, कृष्ण इज द सेंट्रल सेंटर ऑफ आवर लाइफ। और वही भले ही पति पत्नी हो, भाई भाई हो, माँ बाप हो, बाप बेटा का संबंध हो, हाथ पकड़ने को या हाथ काटने को हो जाए, आलिंगन करना, वो सुख नहीं मिल पाए, कई बार करना पड़ता है, पड़ता है। तो सोचो ना, ये हमारे पास अवसर है कि करना पड़ते से हम बाहर निकल के करना चाहता हूं मैं। अब बताओ संसार में ऐसी कितनी एक्टिविटीज हैं जो हम बोल सकते हैं मैं ये सब चाहती हूँ करना, होंगे भाई, मैं सिलाई बुनाई करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा सुख भी मिल जाता हमें। तो फिर से वही बात, हमें ये प्रश्न करना चाहिए, स्वयं को ही समझना चाहिए, क्या जो मैं कर रहा हूँ कितना ज्यादा सुख है उसमें, कितनी अवधि का, जॉब में भी हो, कुछ भी हो, सब्सटेंस में, और कितनी सीमा में, और यहाँ भक्ति में कितना ज्यादा सुख है, ये अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें। ये दिस इज वेरी सब्जेक्टिव बाबा, वन हैज टू प्रैक्टिस, है ना, वन हैज टू प्रैक्टिस एंड चेक आउट फॉर वन सेल्फ, यही भगवान का संदेश भी है, प्रैक्टिस करो, सारे चीज भगवान दे रहे हैं हमें टू इंस्पायर ऑल दिस। भागवत गीता भागवतम प्रभुपाद जी से एक और प्रश्न किया था, या प्रभुपाद जी ने बोला अपने शिष्यों को बोला या कहीं और किसी सभा में, लेकिन कहा जरूर, और बात सही है एकदम, क्या कि इतने सारे ये जो ग्रंथ मैंने लिखे हैं, भागवत गीता भागवतम, इन पे तात्पर्य कमेंट्री और सब कुछ दिया, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, क्या कुछ नहीं है, ये सब किसके लिए, ताकि तुम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र जपवा सकूं, जपो जपो तुम लोग, सो दैट यू बिकम कन्विंस्ड ऑफ द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। तो ये सब करके हमें भगवान का खूब से खूब नाम जप करना चाहिए, खूब से खूब नाम जप, अपने आप को हम वंचित ना रखें उस सुख से, इस सुख से हम अपने आप को वंचित ना रखें, भगवान के नाम जप के सुख से, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भक्तों के संग में भक्ति करने के सुख से, ये संस्पर्श जा भोगा दुख योने या एवते। संसार में जो भी सुख है ना, वो दुख की योनि ही है, वो दुख की योनि से ही है। एक एक परिभाषा बताऊं, भौतिक जगत, भौतिक मतलब मटेरियल, जगत मतलब संसार, वर्ल्ड, यूनिवर्स। तो भौतिक जगत की क्या परिभाषा मटेरियल वर्ल्ड की, अब ये देखो आप लोग स्वयं ही इसका देखिए कितना सही बैठता है ये। मटेरियल वर्ल्ड मतलब वॉट एवर वी ओन ओन्स अस, वॉट एवर आई ओन ओन्स मी, ये भौतिक जगत। जैसे व्हाट्सएप तो प्राय आजकल सभी यूज करते हैं ना, ये बताओ व्हाट्सएप का डिफॉल्ट स्टेटस क्या है, किसी ने अपने फोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हो फर्स्ट टाइम तो आता है ना एक डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप स्टेटस, पता है अर्षा, या कोई और पता हो तो बताना चाहो,
ओके, तो व्हाट्सएप में एक स्टेटस आता है ना बाय डिफ़ॉल्ट ही, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया हो या अगर नहीं बदले तो, क्या कि हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, है कि नहीं? हाय देयर या हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। अब प्रश्न ये है, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप हमें यूज़ कर रहा है? क्या स्टेटस जेन्युइन स्टेटस बैठता है, हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप या हे देयर व्हाट्सएप इज यूजिंग मी, आई एम बींग यूज बाई व्हाट्सएप। तो मटीरियल वर्ल्ड ऐसा ही, हमें लगता है ओ आई एम यूजिंग, आई एम ओनिंग दिस हाउस, रादर द हाउस इज ओनिंग मी, ओ आई एम ओनिंग द जॉब, रादर द जॉब इज ओनिंग मी, आई एम ओनिंग दिस लस्ट, रादर आई एम ओन्ड बाई लस्ट। कईयों को बहुत गुमान होता है ना, इतनी गर्लफ्रेंड रही है मेरी, ये गर्लफ्रेंड है मेरी इत्यादि। तो ये कि भौतिक जगत मतलब हमें जो भी लगता हो ना कि मैं खरीदता हूँ ओन करता हूँ, वही वास्तव में हमें खरीद लेती है। हमें भौतिक जगत मतलब वॉट एवर वी थिंक वी आर इन कंट्रोल ऑफ इज एक्चुअली कंट्रोलिंग अस, वी आर कंट्रोल्ड बाई इट। आई एम एंजॉइंग दिस, नो यू आर बींग एंजॉयड बाई इट। जैसे ये नेटफ्लिक्स में या यूट्यूब में भी शायद हो या देखो, अगर हम देखें द सोशल डायलेमा, हाँ द सोशल डायलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री है, काफ़ी लंबी है, छोटे छोटे उसके वो भी हैं। तो उसमें वो एक व्यक्ति बताता है, और ये कौन है जो इस सोशल डायलेमा में बताने वाले, यही सारे अमेरिका में सिलिकॉन वैली या हाईटेक कंपनीज है ना, सिलिकॉन वैली या जहाँ पे है कैलिफोर्निया या परहैप्स वहाँ पे, तो उन गूगल के फाउंडर्स या उस टाइम के फाउंडर्स में दे वर वन ऑफ द वंस हु आर प्लेइंग अ बिग मेजर रोल इन स्ट्रेटेजिकली, माइक्रोसॉफ्ट गूगल इत्यादि ये बिग टेक कंपनीज में। तो ये उनकी वो लोग हैं उस सोशल डायलॉग में, और वो क्या अनुभव बताते हैं कि देखो वो ये बोलते हैं मैनी थिंग्स, वन इज कि इतना समझ लो सोशल मीडिया या इंटरनेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या यूज से, कि भाई अगर तुम कुछ इफ दे आर नॉट सेलिंग यू समथिंग ना, इफ दे आर नॉट सेलिंग यू अ प्रोडक्ट, कि अगर ये तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं तो इतना समझ लो तुम ही प्रोडक्ट हो, देन यू आर द प्रोडक्ट एंड दे आर सेलिंग यू, यू आर बींग सोल्ड। हाउ? हमारा टाइम, हमारा अटैचमेंट है ना, हमारे बिहेवियर, ये सब सबब हम बिक जा रहे हैं एकदम सोशल मीडिया के अंतर्गत आज के डेट में। तो इतना ज़्यादा है ना ये आधुनिकीकरण के नाम पे, आधुनिकीकरण तो खूब हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बट चरित्र निर्माण कितना हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वर्सेस चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी ऊपर जा रहा है क्या? नो। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगेन नो नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एथिकल एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गुड एज लॉन्ग एज इट इज नॉट एक्सप्लॉइटिंग मटीरियल नेचर, रादर इफ इट इज टू नॉरिश। वैसे तो वैदिक सभ्यता के अनुसार केवल इतना ही चाहिए हमें, गाय, एक गाय हो और कुछ जमीन हो, बस उतना ही चाहिए, बाकी का पूरा समय भजन में ही लगाया। प्रभुपाद जी कहते थे ना, जब से ये ट्रैक्टर आया है कितना खराब हो गया ये ट्रैक्टर मशीन साना, लोगों का फिजिकल लेबर नहीं होता है ना, फिजिकली हम डाउन जा रहे हैं, सब कुछ खाना पीना सब कुछ, कितना कितनी ज्यादा मल्टी विटामिन टेबलेट सप्लीमेंट्स इत्यादि, ट्रैक्टर के नाम पे एडवांसमेंट है या हम पीछे ही जा रहे हैं? फिर बताओ, अभी ट्रैक्टर आ गया, पानी की मोटर आ गई, ये आ गया वो आ गया, अब फिर भी कृष्णा भावनामृत इज सो वास्ट एंड सो मॉडर्न और सो अप टू डेट इन द सेंस, रूपक गोस्वामी की शिक्षा के अंतर्गत क्या युक्त वैराग्य, या यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। आज के डेट में हम भी कनेक्ट होते हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होते हैं ना,
तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमें, थ्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तीन अलग द्वीपों में है, और क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम वी आर एक्चुअली ओन्ड बाय आवर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनसे हम पूरे ओन्ड हुए हैं, खरीदे हुए पूरे के पूरा। तो हमें समझना चाहिए क्या वास्तव में कंट्रोल कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं या कंट्रोल्ड हुए हुए। आदि अंत वंत कौन थे या न तेषु रमते बुद्ध, इतना हम अगर समझ लेना कितना सुख है, कितनी मात्रा का। हम सब उसी तरह ना देखो गाय होती है ना, एक खूंटे से बांध दो उसको, वैसा ही है हमारा हिसाब किताब। एक गाय को समझो एक खूंटे से बांध दो गाय को, तो वो क्या होगा, जितनी दूर जा सकेगी उतना ही जाएगी और उतना ही घास खा पाएगी ना, बस उतना ही। भले मैदान में पूरा खुला मैदान है, घासो घास भरी पड़ी है, लेकिन गाय खूंटे से बंधी हुई है भाई, वो जितना दूर जा पाएगी जितना खा पाए। तो वैसे ही हम भी खूंटे से बंधे पड़े हैं, क्या हमारा बद व्यवहार, बद संस्कार, कंडीशनड माइंड ना, कंडीशनड आइडेंटिटी, देहात्म बुद्धि से पूरे के पूरे बंधे पड़े हैं। हमारे कर्मों और इच्छाओं के अंदर हम बंधे पड़े हैं, मटेरियल कर्मा, मटेरियल डिजायर्स, कितनी कितना सीमा है हमारे, कितना हम जा सकते हैं आगे, बहुत बंधन में हम, बहुत बंधन में, पूरे बंधन में ही है हम। और ये भागवत गीता है टू लिबरेट अस। तो वास्तव में हम अपने आप को वंचित है ना, वंचित मतलब क्या कहोगे दीक्षा, दूर दूर होना भैया कि नहीं मिलना। हाँ डिप्राइव ना, डिप्राइव, हम अपने आप को डिप्राइव ना करें, वंचित होना कि भाई मेरे को नहीं मिला ये। तो हम अपने आप को भागवत गीता के श्रवण अध्ययन, विशेष करके जो भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, उसको तो एक बार कम से कम कवर टू कवर भागवत गीता पढ़ना ही चाहिए। और एक बार अगर शुद्ध भाव से, थोड़ी सिंसियरिटी, शुद्ध भाव भी छोड़ो आप, सिंसियरिटी से थोड़ी भागवत गीता कवर टू कवर पढ़े भक्तों के संग में, तो जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा एकदम ना, इतना सुख अनुभव करेगा, अद्वितीय। तो हम अपने आप को वंचित नहीं करें भगवान के नाम जप से, जो सुख है नाम जपने में। संसार में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं कि यस आई गेट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई लव डूइंग दिस। कोई भी हो, नशा, सिगरेट, शराब इत्यादि सब कुछ तो बाप रे दुख की योनियां ही है संसार में। तो हम बुद्धिमान बने, अपने आप को समझें हम कौन है, किसके हैं, किस लिए बने। जैसे ये भागवतम के 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय का 36वां श्लोक का है, नवाच मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वान श्रुत स्वभावात करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणम येति समर्पयेत। उसका तात्पर्य बहुत सुंदर, तात्पर्य बहुत सुंदर, तात्पर्य उसके तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य दिया, उसके अंत में वो चार
चीजें समझाते हैं, बताते हैं। और वैदिक सभ्यता से, वैदिक लिटरेचर से चार अलग अलग श्लोका लेके आते हैं, तो बहुत सुंदर है। एक क्या एक भाव कि एक तो युवती नाम यथा यूनि, यूनाम च युवतो यथा, मनो अभिरमते तद्वन रमताम में मनो त्वयि, रमताम में त्वयि। क्या कि जिस जिस प्रकार एक युवती का, एक लड़की का एक युवक के प्रति स्वतः ही समझो उसका मन आकर्षित होता है, या एक युवक का एक युवती के प्रति आकर्षित होता है, भगवान उसी तरह मेरा मन आप में रमे। रमना कितना सुंदर शब्द है ना, रमना मतलब क्रीड़ा, आनंदमय क्रीड़ा है ना, स्पोर्टिंग एंगेजमेंट, लविंग स्पोर्टिंग एंगेजमेंट, लविंग एक्टिविटी। तो भगवान जैसे एक लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण, या लड़के के लड़की के प्रति आकर्षण, उसी तरह से मेरा आपके प्रति आकर्षण हो, मेरा मन आप में रमे, आपके नाम रूप कुण लीला इसका आस्वादन करने में मेरा मन रमे। और क्या बताते हैं कि भगवान आप मेरे को जो ये जो चीज मेरे को लगती है ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, कितना सुख है गोलगप्पे में, कितना सुख है गाड़ी में, कितना सुख है साड़ी में, कितना सुख है ना नौकरी और छोकरी में, कितना सुख है, ये जो संसार के पीछे है मेरे को सुख लगता है, भगवान आप इसकी नग्नता बाहर निकालिए और इनमें कितना दुख है वो दिखाइए मेरे को, कितना दुख है वो दिखाइए। क्योंकि जितनी संसार की नग्नता हमारे चित्त में प्रकाशित होगी ना, उतना ही संसार से हमारा बैराग थोड़ा उत्पन्न होते रहेगा। जैसे एक बात देखिए, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, ये सुना है कभी ना, माया मिली ना राम, इसका थोड़ा स्टार्टिंग का भी कुछ है लेकिन इतना सुना है, ना माया मिली ना राम, ठीक है। तो ऐसे साधु समाज में कई बार ऐसा बोलते हैं, ना माया मिली ना राम, मतलब भाई ना सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल पाए और ना भगवान की सेवा एक प्रकार से मिल पाए। तो कहने का ऐसा है कि देखो अटैचमेंट जो है ना, आसक्ति या एब्जॉर्प्शन, ये एक साथ एट वन टाइम किसी दो विपरीत वस्तुओं में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना, ये घर वाली बाहर वाली वाला सिस्टम नहीं चल सकता, एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली ना, ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता। सो एट वन पॉइंट वी हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड एट वन पॉइंट वी एंड अप प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन वी कैन नॉट स्टे एफोर्ड टू बी जस्ट स्टेइंग इन माया कॉन्शियसनेस एंड नेचुरली वी विल शिफ्ट नेचुरली। तो देखो एक सत्य बताऊं, माया तो आज तक किसी को नहीं मिली है, माया तो आज तक किसी को मिली नहीं है। माया मतलब क्या, माँ मतलब जो नहीं, या माँ नहीं जो, या जो कि नहीं है ना, दैट विच इज नॉट, तो वो है ही नहीं माया। सुख कहाँ पे है, माइक सुख नहीं है ना, तो माया तो आज तक किसी को नहीं मिली है, राम जरूर मिल सकते हैं ना, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान के चरण कमल जरूर मिल सकते हैं। तो जो चीज जरूर मिल सकते हैं उसी के पीछे जाना चाहिए ना। तो अटैचमेंट जो है ना, वो एक साथ दो विपरीत वस्तुओं में नहीं हो सकता। जैसे या तो हम अटैच्ड हो, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, ऐसा थोड़ी ना कि हम कोई भी जीत जाए, हम दोनों में अटैच्ड है। कोई भी एक स्पोर्ट हो, हम इतने अटैचमेंट से उसको देख सकते हैं क्या कि भाई ये टीम भी जीत रही है वो टीम भी जीत रही है, और यस नो, तो दो विपरीत वस्तु उसमें एक साथ हमारा अटैचमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वैसा ही सेंस ग्रेटिफिकेशन और क्या, भगवान की सेवा, दीज आर टू ऑपोजिट एंड्स ऑल टुगेदर, और हमारा दोनों में एक साथ नहीं रम सकते हम। सुबह के लिए बन गए साधु और शाम को चलो क्लबिंग पबिंग करने, नो। टू बिगिन विथ मे बी, टू बिगिन विथ ना,
इसीलिए देखो भारत में अधिकतर हम देखें क्या देखेंगे, डिवोशन तो सर्वत्र है भारत में, है ना, ये श्रद्धा, ये प्रीति में भाव, सेवा में भाव इत्यादि सर्वत्र है, लेकिन विवेक नहीं है बराबर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लाइफस्टाइल पर्पस वाली बात नहीं है, हम पर्पस ओरिएंटेड जीवन नहीं जीते, कोई लक्ष्य ओरिएंटेड जीवन नहीं जीते। और वो लक्ष्य क्या, पर्पस क्या, भगवान के सेवा, भगवान के दर्शन, भगवत धाम की प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वैसा हम नहीं जीते ना। तो अटैचमेंट एक साथ दो विपरीत वस्तुओं में हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर ले और थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस भी चल ले। टू बिगिन विथ ठीक है, लेकिन एट वन टाइम, टू बिगिन विथ तो ठीक है, ओके वी डू सेंस ग्रेटिफिकेशन एज वेल, एंड देन या लिटिल बिट हम जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, क्लास भी सुन लेते हैं, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में भी सुन लेते हैं, थोड़ा मामला भी कर लेते हैं ये सब, बट थ्रू सिंसियर एसोसिएशन, गुड इंस्पायरिंग एसोसिएशन, वन ऑफ द टू हैज टू गो, या तो घर वाली या बाहर वाली, दोनों एक साथ नहीं चल सकते ना, रह सकती है क्या बताओ, आदमी पागल हो जाएगा ना, घर वाली भी घर पे आके रहने लग जाए, बाहर वाली भी रहने लग जाए, या घर वाली भी बाहर वाली बाहर हो और बाहर वाली भी बाहर हो, नहीं हो पाएगा भाई, वन हैज टू बी गिवन अप। तो माया तो आज तक किसी को नहीं मिली है, राम जी जरूर मिले हैं, तो अब ये हमारे ऊपर है, हम क्या चाहेंगे, माया या राम। समय तो लिमिटेड है, समय समय के लिए लिमिटेड है एक प्रकार से, ऊर्जा भी लिमिटेड ही है, एनर्जी कैपेसिटी भी लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं है ना एक साथ मैं दो चीज में अटैच कर लूं अपने आप को, कभी कोई दो नाव में सवार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, गिरेगा पूरी तरह से, ना ही कोई कभी कोई दो बाइक में सवार हो सकता है, भले ही अजय देवगन ऐसा स्टंट करके दिखा दे, है ना, उसमें भी पता है, जो ज्ञान में होगा ना व्यक्ति, उसको पता है दिस इज ऑल स्टंट या इत्यादि। ऐसा नहीं है कि कोई दो नाव में एक व्यक्ति दो नाव में सवार हो सकता है सही से, नो, उसी प्रकार वी कैन नॉट, वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट मेड, इट्स नॉट अबाउट कैपेसिटी, वी आर नॉट मेड टू एंजॉय मैटर एंड एंजॉय स्पिरिट एट द सेम टाइम, नो। मैटर को तो आज तक तो कोई एंजॉय नहीं कर पाया, स्पिरिट की सेवा जरूर हम कर सकते हैं। तो भागवत गीता के माध्यम से हम ये समझें कि वास्तविक सुख जो है ना वो सेवा में ही है, वास्तविक सुख सेवा में ही है, और ये भगवत सेवा, भगवत सेवा का सुख इसका मोल नहीं है। शशि खोड़नताय मायापुर शशि की जय। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या, और स्कैटर्ड से थॉट्स हैं, स्कैटर्ड से भाव है, लेकिन आप सिंसियर सोल्स हो तो काइंडली एक्सेप्ट। श्लोका बहुत सुंदर है, 21-22 ये है ना, अभी यही रमने की बात करी ना, देखो कितना भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। तो अरे भाई, शरीर स्वयं नाशवान है तो कैसे हमें स्थायी सुख मिल जाएगा। अच्छा, वो हम बात भी कर रहे थे ना, वो एक स्टोरी शायद पूरी नहीं कर पाए, तो एक व्यक्ति पूछता है साधु जी को कि साधु जी ऐसी क्या बात है, मैं इतना प्रयास करता हूँ, सब कुछ अपने टिक टिक कर रहा हूँ, बिल्स बराबर पे कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, पर फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि सुख बस अभी ये मिल रहा है, अभी मिल रहा है। तो मटेरियल हैप्पीनेस की यही परिभाषा है, इज ऑलवेज अ स्टेप अवे। तो साधु जी बोलते हैं ठीक है, तुम प्रश्न तुम्हारा बढ़िया और धन्यवाद, तुमने अपने हृदय का भाव थोड़ा सा खोला, उजागर किया, एक काम करो कल मिलो शाम को मेरे को बगीचे में, मैं बगीचे में सैर करने आता हूँ।
शाम को मिलो बगीचे में, और बगीचे में तुम आओ तब तितलियां खूब होगी बगीचे में, कोई एक तितली पकड़ के मेरे पास लेके आना, ठीक है? तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ठीक है, वो बोला ओके ठीक है, कल मिलते हैं शाम को, मैं एक तितली आपको पकड़ के ला के देता हूँ। अब पहुंच गया वो बगीचे में और देख रहे तितलियां, अब चल पड़ा तितली पकड़ने में। अब आप लोग बताओ, तितली पकड़ना आसान काम है क्या? पकड़ में आ जाती है क्या आसानी से तितली? इट्स नॉट इजी ना नहीं नहीं तितली पकड़, भैया, भागो पीछे तितली के पकड़ने। ये भगवान ने, देखो ना, भगवान ने सब जीवों को एक एक विशेष गुण दिया है ना, एक विशेष स्किल, क्वालिटी या स्किल इत्यादि दी है। तो तितली को ये स्किल है ना, टू डिफेंड हरसेल्फ, प्रोटेक्ट हरसेल्फ। और पकड़ने जाओ तितली, कितना क्विक वो रिएक्ट कर लेती है, कितना क्विक वो इंस्टिंक्टिवली फिगर आउट कर लेती है, रिएक्ट करके फिर उड़ जाती है, तो हाथ में नहीं आती। ऐसे तो देखो करने वाले लोग क्या, नेट डाल देंगे, नेट डाल के पकड़ लेते हैं, करते ना लोग बदमाशी कितनी, ऐसे जानवरों के साथ अत्याचार, नेट डाल के पकड़ के। अब देखो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां, एक डिवोटी है, कल ही वो मंदिर में आए थे, बता रहे थे, फ्रांस की कंपनी है, लुई वेटोन, नाम सुना? ये एक फ्रांस की फैशन ओरिएंटेड कंपनी है, लुई वेटोन है। बताते हैं विश्व भर की कंपनियों में ये टॉप 5 कंपनीज में इसका नाम आता होगा। और भी तो कुछ कंपनियां हैं, वो क्या, ये फैशन एक्सेसरीज इत्यादि ये सब बेचते हैं, लेकिन कहाँ से कैसे बना के, पशुओं की खाल से, कैसे कैसे, और उनके साथ कोई बढ़िया व्यवहार करके, है ना, ट्रैप करके उनको, पशुओं को कैसे ट्रैप कर जाए, ट्रैप करके इनको बुचर, स्लॉटर, किल, एंड हाउ डू वी मेक यूज ऑफ देयर स्किन, तो ये समझो। और इसका अगर हम सेवन करें तो कितना पाप संसार में हम बढ़ा रहे हैं खुद। तो तितली की बात, तितली को पकड़ना कोई आसान नहीं है। अब वो व्यक्ति लग गया तितली को पकड़ने के पीछे, तितली को पकड़ने जाए, तितली उड़ चले, पकड़ने जाए उड़ चले, तो ऐसे भागते 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 थक गया वो पूरा का पूरा, है पूरा थक गया, बोले बाप रे तितली तो हाथ में नहीं आ रही है पकड़ में, फिर क्या, थक के बैठ गया, थक के एकदम शांत होके बैठ गया। शांत होके बैठ गया तो थोड़ी देर में क्या देखता है, वही तितली स्वयं उसके कंधे पे आके बैठ गई, वही तितली जिसको वो पहले तो इतना भाग भाग के पकड़ने के प्रयास में था, नहीं हाथ आ रही थी, बाद में वही स्वयं तितली उसके कंधे में आके बैठ गई। तो कहने का आशय है, देखो देखिए भौतिक सुख तो जितना उसके पीछे हम भागने जाएंगे ना, हमें हमेशा एक स्टेप अवे ही मिलेगा। अगर भौतिक सुख में इतना सुख होता तो हमारा बचपना हम कभी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते। अगर बचपने में इतना सुख होता, बचपन में क्या लगता है, कब बड़ा होऊंगा यार, कब बड़ा होऊंगा, बचपन में बड़े होने का मोह, बड़े हो जाओ तो वही ना, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले के कुछ दोस्त और मेरे यार, ये सब गाने पसंद आते हैं यार, बचपना कितना अच्छा था, बच्चे होके लाइट जाती थी, हम कॉलोनी में खेलते थे घर पर, है ना, और ऐसे ऐसे करके कितना बढ़िया था बचपना। तो बड़े हो जाओ तो बच्चे बनने का मोह रह जाता है, बच्चे रहो तो बड़ा बनने का मोह रहता है, कब मैं बड़ा होऊंगा, कब गाड़ी घुमाऊंगा, कब बाइक चलाऊंगा, कब ये मोबाइल फोन करूंगा, कब मैं भी ऐसे जॉब करूंगा जाऊंगा, कितना वैसा मोह लगता है ना लोगों को, कब मैं भी मेट्रो के धक्के खाते हुए जॉब करने जाऊंगा, कब मैं भी लैपटॉप लेके काम करूंगा एकदम, और फिर ऑटो में, गाड़ी में, ओला में करके हुए लैपटॉप में बस मैं काम करते रहूंगा, काम करते रहूंगा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, सुना है ये? भौतिक सुख वैसा ही है, जी भैया, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, एकदम वैसा ही है कि भाई पकड़ने जाओ, वन स्टेप अवे, वन स्टेप अवे। और फिर वो व्यक्ति बैठ गया तो उसके कंधे पे ही आके तितली विराजमान होगी, बैठ गई। तो कहने का आशय ऐसा है कि
इतना प्रयास नहीं करना चाहिए हमें भौतिक सुख के पीछे। वो तो हमारे कर्म और भाग्य के अनुसार, जो जितना ब्रह्मा जी ने हमारे कोटे में दिया है ना, वो आएगा ही आएगा, आ ही जाएगा अपने आप, है ना। जहां से भी आना है, जैसे भी आना है, हमें अगर प्रयत्न करना है ना, तो उस सुख को पाने के लिए जो ब्रह्म लोक से लेके नीचे के लोक तक अभी तक हमें मिल नहीं पाया हो, वो दिव्य सुख भगवान के नाम जप का सुख अनुभव करें, उस सुख से हम क्यों अपने आप को वंचित रखें। तो भौतिक सुख तो ऐसा ही है, दूर दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं ना, लगते हैं बाहर से ही सब अच्छा लगता है। कितना लगता है, ओ गुड़गांव, नोएडा, पुणे, बंगलोर कंपनी में मैं जाऊंगा, काम करूंगा, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े उनके कांच के शीशे, उसके अंदर क्या एसी रूम में बैठा रहूंगा, और वहीं पे जाके फिर क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेमिनार है जी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, हाउ टू कंट्रोल एंगर, टीम बिल्डिंग सेमिनार्स, हाउ टू बिल्ड टीम स्पिरिट इत्यादि, हाउ टू टेक मोर एंड लीडरशिप मैनेजमेंट सेमिनार्स, सो मेनी सच थिंग्स। लेकिन हम अपने आप को ये ना, अपनी इच्छाएं को मैनेज करना सीखें, भागवत गीता को टाइम दें, भगवान के नाम जब, तो हमें नहीं चाहिएंगे ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वी वुडंट नीड एनी ऑफ दिस सेमिनार्स। नो, अगर एक ये सेमिनार, कृष्ण और अर्जुन का संवाद, दिस इज मोर देन इनफ, और कोई सेमिनार नहीं चाहिए। कितने देखो बड़े बड़े ये मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, ऐसी बुक निकालते हैं, लेकिन उनका प्रिंसिपल्स देखें, सारे प्रिंसिपल्स हैं भागवत गीता में, सारे के सारे प्रिंसिपल्स, मेटीरियली एंड स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए। तो हम अपने आप को अगेन सेफगार्ड करें, प्रोटेक्ट करें, कहाँ हम अपने आप को रमाए, कहाँ रमाए, जहाँ पे बढ़ता हुआ सुख हो वहां पे रमाओ, क्योंकि हमारी इच्छा तो हमेशा यही रहती है बढ़ते हुए सुख की खोज की। तो वो बढ़ता हुआ सुख है ना भगवान के नाम जप में, खूब है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे इतने कम एक ही जीवा क्यों है, दो ही कान क्यों है, मेरे को तो लाखों लाखों जीवा दीजिए, करोड़ों करोड़ों कान दीजिए, कि मैं लाखों लाखों जीवा से, करोड़ों करोड़ों कान से आपका नाम जप कर सकूं, नाम का उच्चारण कर सकूं और सुन सकूं। इतनी मादुकता, ऐसी मादुकता है भगवान के नाम में। भगवान के नाम जप का रसा स्वादन करेंगे ना, माया कभी स्पर्श नहीं करेगी हमारा, कभी भी स्पर्श नहीं होगा, अन्यथा तो माया के गोद में हम फेविकॉल से भी ज्यादा अच्छे से चिपके पड़े। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहो आप लोग, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ ऐड करना या कुछ कमेंट भी करना चाहो तो। थोड़े स्केटर्ड से थॉट्स हैं, बट अगेन काइंडली एक्सेप्ट। फिर वो भागवतम के वो बता रहे थे ना तात्पर्य में, 4 पॉइंट्स वो बताते हैं, तो क्या कि जैसा बहुत सुंदर बताते हैं वो, पढ़िएगा आप लोग 11वां स्कंध का 2रा अध्याय का 36वां श्लोक का तात्पर्य। बोलते हैं जैसे वो, जैसे अज्ञानी पुरुष, मूर्ख कहना तो थोड़ा सा लग जाए ना किसी को, चलो मूर्ख नहीं कहते हैं, अज्ञानी पुरुष लोग जिस तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं, इतने ऑब्सेस्ड एंड दे रन ऑफ चेज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कामी पुरुष को, कोई लोभी पुरुष हो, है ना, कैसे वो रहते हैं, भगवान वैसा मेरा ऑब्सेशन आप में बना दीजिए, ये प्रार्थना, मेरा ऑब्सेशन वैसा आपकी सेवा में, आप में बन जाए ना।
आपके दर्शन को हेतु, आपके गुणगान, आपकी कीर्ति समझने में। फिर वो ना कि भगवान मेरे को ये, आप ये कृपा, कितनी बड़ी कृपा होगी कि इस भौतिक सुख में अगर हमें दुख दिखने लग जाए, दुख की अनुभूति होने लग जाए, कितनी बड़ी कृपा होगी। तो भगवान ये कृपा करिए, आई एम सो मच आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन, नाउ काइंडली लेट मी रिवील इट फॉर रियल, द मिजरीज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। हर एंगल से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत की नग्नता का उजागर करिए, और आपकी जो सुंदरता है, दिव्यता है, उसका भी उजागर करिए, और मेरे को आपकी ओर ही आकृष्ट करिए। फिर जैसा एक लड़का लड़की के प्रति या लड़की लड़की के प्रति नेचुरली आकर्षित होते हैं, वैसे ही भगवान मेरा मन आप में आकर्षण हो। और चौथा क्या बोलते हैं कि मेरी जो भी आकर्षण है, हम सबका सहज एक अट्रैक्शन अटैचमेंट है ना, टुवर्ड्स डूइंग समथिंग गुड एंड टुवर्ड्स डूइंग समथिंग बैड एज वेल, टुवर्ड्स डूइंग समथिंग गुड एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग बैड, या टुवर्ड्स डूइंग समथिंग गुड एंड बैड। तो भगवान वैसा ही अट्रैक्शन, वैसा ही अटैचमेंट मेरा कि आपके सेवा में कर दीजिए, इतना ही। तो देखो वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो सब सब है, बस उसको भगवान की ओर हमें लगा देना है। अभी हम माया के पीछे जा रहे हैं, मिल भी नहीं रही है, अब बस अब भगवान के पीछे चलने पड़े अगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। शक्नोती वे वसोधुम प्राक्ष शरीर विमोक्षनात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सहयुक्त स सुखी नर। दीक्षा पढ़ पाओगे क्या? जी भैया, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगनों को सहन करना तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार के सुख में सुखी रह सकता है। तात्पर्य, यदि कोई आत्मा साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उद्धार वेग, उपस्थान वेग तथा जिंगुवा वेग, जीवा वेग, जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत समयत जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा विषस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्ण मनुष्य को वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्धि माना जाता है और आत्मा साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का बरसक प्रयत्न करे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रश्नों का अनुवाद पढ़िए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के विघ्नों को सहन करना तथा
इच्छा एक क्रोध के को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। वेग मतलब भैया इच्छाएं वेग मतलब फोर्स, फोर्स फोर्स ओके पुल, पुल। तो यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, त्यागने के पूर्व मतलब छोड़ने के पूर्व, अब देखो भागवत गीता या भगवान ऐसा नहीं कहते मरने से पहले, मरने से ये मरना तो बड़ा ही ओछा शब्द है, लो क्लास लो मरना। अरे मरना आत्मा के लिए हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है भाई, हम अनादिकाल से मरते आ रहे हैं। ये मनुष्य शरीर मिला, ये जीवन मिला, अब शरीर छोड़ने के लिए, मरने के लिए नहीं, इस बार, इस बार है ना। एक और बात बोलता हूँ, देखिए हम प्रचार प्रसार करते हैं ना, तो किसका, लोगों को बताते हैं भाई देखो पुनर्जन्म होता है, कर्म कर्म होते हैं है ना, इच्छाएं होती है इत्यादि, भगवान है और पुनर्जन्म होता है, बेसिक बेसिक स्पिरिचुअलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी की बेसिक्स ही समझनी हो तो भाई उसमें तो रीइंकार्नेशन, लॉ ऑफ कर्मा, डिजायर्स और गॉड है ना, ये तो बेसिक्स है स्पिरिचुअलिटी के। तो अभी लोगों को हम प्रचार प्रसार करते हैं ना, खास करके पाश्चात्य देशों में अगर देखो तो उनको कुछ नहीं इतना ज्ञान कि पुनर्जन्म को लेके, कर्मों को लेके, इच्छाओं को लेके, ना कोई कैसे सो कंट्रोल्ड बाय मटेरियल एनर्जी, बाप रे अमेजिंग। तो हम जो प्रचार प्रसार करते हैं ना भक्त लोग, पुनर्जन्म के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन जब स्वयं की बात आए ना, स्वयं के जीवन और स्वयं के साधना को लेके, स्वयं के भाव, स्वयं के मोटिवेशन को लेके, उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये जीवन मेरा लास्ट ही है भाई, नो मोर, नो मोर doesn't exist, so this is my last opportunity। कहने का मतलब कोई जॉब के लिए, कोई रेस के लिए हो ना कि भाई ये लास्ट चांस है तुम्हारा, अब उसी तरह से हमें अब समझ लेना चाहिए कि लास्ट चांस ही है ये हमारा। जैसा कर्मी लोग समझते हैं ना कि भाई हम, हमारा ये फर्स्ट वन एंड ओनली है जीवन, इसके बाद कुछ नहीं है, तो भक्त के भक्ति करते हुए अब हमें भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए कि भाई दिस इज माई ओनली लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सो आई शुड गो फॉर द बेस्ट, आई शुड गिव माई बेस्ट ना, आई शुड नॉट सेटल डाउन एट ऑल। ये इस हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करें कि जीवन तो वास्तव में एक ही है। अभी यही कई बार हम भक्त लोग जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने या प्रचार करते हैं तो पुनर्जन्म के बारे में समझाते बताते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के भाव में हमें क्या समझना चाहिए कि भाई एक ही जीवन है, लाइफ तो एक ही है। अब मेटीरियल बोलो या स्पिरिचुअल है तो लाइफ एक ही, और वो लाइफ एक ही मिली है श्री राधा श्याम सुंदर के गुणगान करने के लिए ना, उनकी सेवा के लिए, उनके सुख वर्धन के लिए। बोल तो भगवान तो परम सुखी है और उनको हमारी कोई पड़ी नहीं है सच, लेकिन ये कृपा उनकी कि वो हमसे भी सेवा स्वीकार करते हैं, ये कृपा उनकी विशेष। तो ये हमें समझना, या हम अपने आप को इसी हिसाब से प्रिपेयर तैयार करें कि ये मनुष्य जीवन इतनी अति मूल्यवान है और दिस इज माय लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट चांस, सो आई शुड गिव माय बेस्ट ऑल टुगेदर। यदि इस शरीर को त्यागने, हाँ तो ये ना मरना कोई अच्छा ऊंचा भाव नहीं है, शरीर छोड़ना, तो इस बार हम ऐसा प्रयत्न करें कि इस बार हम मरे नहीं, हम शरीर छोड़े, शरीर त्यागे। तो शरीर त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है ना, फोर्स को, पुल को, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है कि नहीं। सो ये शरीर छोड़ने से पहले इफ वी आर एबल टू कंट्रोल आवर डिजायर्स है ना, कंट्रोल आवर एंगर, इफ वी आर एबल टू कंट्रोल
the demands of our anger, desires, mind, restless mind, ना कितना वो देता है हमें restless mind, I want this, I want that, कितने कितने चीजों में हमें प्रपंचों में फंसाता है ये हमारा restless mind। तो इसको अगर हम कंट्रोल में ला सके तो हम अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा फेवर करेंगे, बहुत बड़ा फेवर करेंगे हम अपने आप में। अगर हम अपने मटेरियल डिजायर्स से ऊपर उठ सकें, अगर हम अपने मटेरियल डिजायर से ऊपर उठ सकें तो हम अपने आप को बहुत बड़ा फेवर करेंगे। इन मटेरियल फोर्सेस को कंट्रोल करके तभी तो एक सुख अनुभव कर पाएंगे ना, तभी एक शांति अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। एंड स्पिरिचुअलिटी बिगिंस व्हेन वी कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस, व्हेन आवर माइंड एंड सेंसेस आर कंट्रोल्ड। इफ आवर माइंड एंड सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड देन वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ। नो, माइंड एंड सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड मीनिंग व्हाट? घुंगरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं ना, कभी इस पाँव में कभी उस पाँव में बजता ही रहा हूं मैं, यही हाल होगा फिर हमारा। तो ये मौका हाँ, हरे कृष्ण। हम औरों को ये नहीं समझा सकते या बोल सकते हैं कि तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो, तुम अपने स्पीच को कंट्रोल करो, तुम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो इत्यादि। ये तो स्वयं को, हमें अपने आप को ही इन सब को कंट्रोल करना है। क्या बताया ना तात्पर्य में, वाणी का वेग, स्पीच, बोलने का कितना रहता है देखो, चटोरी जीभ कैंची की तरह चलाते रहो चलाते रहो, कितना बोलने का। क्रोध, बाप रे, बहुत कुछ है इनमें समझने को। वैसे मनोवेग, मन के वेग, वेग मतलब खींचता है, पुल करता है, फोर्स, करंट, उदर वेग है ना, खाने को, उदर मतलब पेट ना, खाने के लिए, खाने के लिए ये खिलाओ वो खिलाओ, उपस्थ वेग, जेनिटल्स, और क्या, जीवा वेग, टंग। बाप रे, तो इन वेगों को इनको कंट्रोल करेंगे तब हम धीर कहलाएंगे ना भाई, अन्यथा नाम भले ही धीरज हो लेकिन कितना अधीर हो जाए जीवन में। ठीक है, आज यही विराम देते हैं, इंटरनेट की भी तो थोड़ा ज्यादा ही रहा, लेकिन आपके धैर्य पूर्वक संग और श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ओके, सो वी कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा दीक्षा।